नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक विधायक के बेटे के द्वारा बीजेपी नेता पर 39 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए। आरोप के मामले में हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश या विधानसभा की कमेटी बनाकर जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि असली मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरा छिपा रहे। उन्होंने कहा कि क्या अब ईडी सीबीआई आएगी या यह मामला विजिलेंस को देकर दबा दिया जाएगा। कांग्रेस क्यों सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी से। कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी, इनसे जानते हैं कि वो ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। जी धन्यवाद। अभी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ है, लेकिन ये तो बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सोच वाली सरकार है, नकली राष्ट्रवादी सरकार है, तो ऐसे लोग जो हैं ये मानेंगे तो है नहीं कि हम भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि इनका असली चेहरा कुछ और है, नकली चेहरा कुछ और है। बाहर दिखाने का जो मखोटा है वो तो ये था कि ना पर्ची ना खर्ची, लेकिन एक विधायक मौजूदा उसके लड़के से ही बीजेपी का एक नेता जो है वो 49 लाख रुपये भर्ती कराने के ले लेता है, तो इससे बड़ा मेरे हिसाब से कोई सबूत बीजेपी को कोई है नहीं। पहले HPSC का घपला हुआ, उससे पहले भी ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का हुआ था, चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा था, अब ये फिर हो रहा। घपले तो रोज हो रहे, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार है, ये कहते हैं जी यहाँ हमारे को तो अधिकार है करप्शन करने का सब तरह का, लेकिन कोई दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा करे तो ED और ये चले जाते हैं CBI। क्या अब इस 49 लाख की तो एक MLA के घर की बात है, जो और भी कितना कुछ हुआ है, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा? क्या यहाँ ED CBI आएगी या विजिलेंस को देके इस केस को दबा दिया जाएगा? कई सालों से इसकी जांच चल रही है, पर्चा दर्ज है, लेकिन एक पानीपत का आदमी है, एक जो था SC ST का मेंबर, उसको तो हटा दिया गया। जो दूसरा असली मुजरिम है जिसने पैसे लिए हैं वो आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि बीजेपी का जो मौजूदा अध्यक्ष है लोग कहते हैं कि उसका वरदहस्त उसके सिर पे है, इसलिए उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। MP करनाल का भी नाम जो है इसमें घुसेड़ने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। गोगी जी, जिस तरह भी आपने खर्ची पर्ची की बात की, तो मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं कि खर्ची पर्ची बंद है, फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्या कारण है? यही तो एक मैं कह रहा हूँ ना, जो असली चेहरा है वो पीछे छुपा हुआ है। एक फिल्म में गाना था ना, नकली चेहरा सामने आए असली चेहरा छुपा रहे, ये वो है। मुख्यमंत्री जी हमारे शरीफ इंसान तो हो सकते हैं, लेकिन ना वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ना वो अच्छे CM हैं। उनके नीचे ही आप देखो शराब घोटाला हो गया, रजिस्ट्री घोटाला हो गया, करनाल में कितने बड़े घोटाले हो गए। तो अगर मुख्यमंत्री जी ईमानदार होते तो कभी के इस्तीफा दे के जाके सेवा में लग जाते, वहाँ संघ की सेवा में लग जाए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री रहना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी दिखानी जरूरी है, और इन लोगों को चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी और पार्टी का हो, उसको पकड़ के अंदर करना चाहिए। और इसकी जांच, मेरी आपके माध्यम से ये डिमांड है कि इसकी मौजूदा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, और या फिर विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए और वो इसकी जांच करे। वरना तो पिछले सारी सरकारों पे जो इल्जाम बीजेपी लगाती रहती थी वो सारे छोटे पड़ गए, और बीजेपी अब जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है करप्शन में।
विधायक जी, हाई प्रोफाइल मामला उजागर हुआ है, विपक्ष चुप क्यों है? आखिर विपक्ष की क्या मजबूरी है इतनी देर बाद मामला उठाया है? नहीं, विपक्ष पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका है और आज जब ये राष्ट्रीय खबर बन गई, बड़े बड़े अखबारों में सब में छप गई, तो उसके बाद हम अब इसको जो है बहुत सीरियसली लेंगे और आगे विधानसभा में तो ये मामला फिर उठेगा ही। लेकिन ये मेरे को पक्का यकीन है कि ये जो नकली राष्ट्रवादी लोग हैं, इनके होते हुए इसमें कुछ भी होना नहीं है। लूटने का अधिकार इन्होंने अपने आप ही ले रखा है, घर का कानून है। अगर ये कोई विपक्ष का आदमी होता तो अब तक अंदर हो गया होता। मेरे को मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि क्या हरियाणा पुलिस से वो आदमी जो सड़कों पे ही घूम रहा है, यहीं घूम रहा है, एक तो हो गई कहीं चला गया हो, विदेश थोड़ी चला गया हो, मतलब मोदी जो नीरव मोदी और उसकी तरह है, वो तो यहीं हरियाणा में रहता है और पुलिस उसको पकड़ पा नहीं रही, इसलिए नहीं पकड़ पा रही कि उस पे ऊपर राजनीतिक वरदस्त है। विधायक जी, मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस का दावा करते हैं और फिर ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं, क्या कारण है, कहाँ कमी है? मैं कह रहा हूँ ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में कमी है और इच्छा शक्ति जो है, असली मकसद ही लूटना है। जब मकसद ही लूटना है, ऊपर से चेहरा कुछ और दिखाया जाता है, ऊपर से तो ये राम राम करते हैं और बगल में छुरी है, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये ही इनका राष्ट्रवाद है और इसी का पूरे देश का माहौल देख लो आप, उसको देख के भी आपको लगेगा। नाम रखेंगे अमृत महोत्सव और फैलाएंगे नफरत और सांप्रदायिकता, ये जो नाजीवाद जो चलेगा नहीं। विधायक जी, विधायक के बेटे ने पैसे देने के आरोप लगाए हैं और बीजेपी के नेता पर आरोप लगे हैं और मामला भी दर्ज हो गया है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, कहां कमी है? मैंने बताया ना कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम लिया जा रहा है कि उनके चहेते हैं वो, जो पानीपत के विनोद नाम बता रहे हैं किसी का, मैं जानता नहीं उनको, जो नाम सामने आया है वो है और उसको कहते हैं कि जो धनखड़ साहब हैं उनका वरदस्त प्राप्त है और धनखड़ साहब जो हैं उनके अंडर मुख्यमंत्री काम करता है, क्योंकि संगठन बड़ा है, तो फिर मुख्यमंत्री जी उसको अरेस्ट कैसे करा देंगे? विधायक जी, आपकी विधायक से भी बात हुई होगी, तो अगर विधायक से बात हुई है तो उन्होंने आपसे क्या कहा है? देखो, विधायक जी ऑफ द रिकॉर्ड तो मान ही रहे हैं कि मेरे लड़के से उसने पैसे लिए हैं, उसी का नाम ले रहे हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन सरकार के सामने कहां कहां वो कहेंगे नहीं कहेंगे ये तो विधायक जी ही फैसला करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि इस केस में चेहरा सामने आ गया कि इस राष्ट्रवादी बीजेपी और आरएसएस का जो असली चेहरा है वो इस देश के गरीब और आम आदमी को लूट के अमीरों का घर भरने का है और अपना घर भरने का है। देश का सत्यानाश करने का काम ये सरकार पिछले 7-8 साल से कर रही है। जनता अब जाग चुकी है, अब जनता को पता चल गया है भाई इनका जो चेहरा दिखाने के दांत और हैं, खाने के और हैं। अब आगे ज़्यादा देर तक जिस दिन इलेक्शन आएगा आप देखना बीजेपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। विधायक जी, जिस तरह आप आवाज़ उठा रहे हो, अब क्या ये मामला आप विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी रखेंगे? अगर रखेंगे तो क्या मांग करेंगे? देखो, मैं तो स्पीकर साहब को चिट्ठी लिखूंगा कि इस मामले की जांच विधानसभा की कमेटी बना के उससे कराई जाए, ताकि इसमें एक विधायक का लड़का जो है उसका भी इंटरेस्ट जो है फंस गया इसमें और उसके माध्यम से ये काम हुआ है, तो इसकी जो जांच है अगर विधानसभा की कमेटी करे तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी और एक ईमानदार लोगों की कमेटी बनाई जाए तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर हिम्मत है तो मेरे को बनाओ ना चेयरमैन कमेटी का, मैं बता दूंगा किसने पैसे लिए हैं, 2 दिन में ही नहीं अरेस्ट कर लें तो। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी, इन्होंने खट्टर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, इसके साथ साथ सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।